गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैती यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर आ पहुँचे हैं समृद्धि महामार्ग की अपडेट देने के लिए आपको। तो आज डेट है 19 अगस्त 2021 और आज के दिन हम अभी खड़े हैं समृद्धि महामार्ग के 0 किलोमीटर के पॉइंट पर। तो ये आप अभी देख रहे हैं, तो ये है दोस्तों समृद्धि महामार्ग के 0 किलोमीटर का नज़ारा। यहाँ पर पहला इंटरचेंज आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा ये इंटरचेंज है। तो ये जो रास्ता जाता है दोस्तों मेरे लेफ्ट हैंड साइड की ओर, ये जा रहा है नागपुर की ओर। ये आप देख सकते हैं वर्धा, जबलपुर, और ये जो रास्ता ये आप देख रहे हैं अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, ये जा रहा है हिंगना की ओर, जो यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये पहला इंटरचेंज समृद्धि महामार्ग का 0 किलोमीटर का, जो आता है हिंगना तहसील में। और ये जो आप ट्रक आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आ रहा है मुंबई की ओर से, ये साइड से मुंबई से आएगा और ये अभी जाएगा नागपुर की ओर और आगे आप देख रहे हैं दोस्तों FSC का गोडाउन, फूड सप्लाई चेन। अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस आपको दिख रहा है दोस्तों, अभी बारिश का सीज़न है। ये देखिए पानी पूरा भरा हुआ आपको दिख रहा है। 3 दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, फिर भी काम जो है काम शुरू है। तो चलिए दोस्तों एक राउंड मार के आते हैं इस इंटरचेंज को। तो यहाँ की प्रोग्रेस, यहाँ के अपडेट्स मैं आपको हर वक्त देता रहूँगा। चलिए बढ़ते आगे। ये दोस्तों नागपुर की ओर जाने वाला रास्ता, जो यहाँ से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर आएगा। और ये फूड सप्लाई चेन का गोडाउन, और यहाँ से शुरू हो रहा है अपना समृद्धि महामार्ग। ये जो जा रहा है रास्ता समृद्धि महामार्ग की ओर, और ये बीच का पैसेज देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा। आगे चलकर यहाँ पर बहुत सी डेवलपमेंट होने वाली है। ये आप देख रहे हैं हिंगना की ओर जाता है हिंगना, और सीधा जो रोड जाएगा इधर मुंबई अमरावती की ओर, पुराना हाईवे